गया है कि जहां जहां प्रभु की पूजा होती है, प्रभु का गुणगान होता है, प्रभु का नाम होता है, वहां भक्त विद्यमान होते हैं और प्रभु के लिए अपना सब कुछ निशाना करते हैं। और उसी प्रकार मेरे कन्हैया का, मेरे कन्हैया के किसी भक्त का अगर नाम होता है, मेरे सामने के किसी भक्त का अगर गुणगान होता है, तो वहां स्वयं साक्षात कभी ना किसी न किसी रूप में उस भक्त की गाथा सुनने के लिए बैठा रहता है। और आज उसी भक्त की गाथा है, किसी प्रभु की गाथा है। और जिनको अपने ऊपर विश्वास है वो नहीं गाएगा, और जिनको लग रहा है कि सारा दौरा आता है लाल बचाने, वो सारे मिलकर ओ पालनहारे गुणगान धन्य घड़ी धन्य भाग, मेरे सबों ने मुझे
पड़ी हो उसका ब्याह है। अरे सुनते हो सारे चेहरे को आवाज देते हैं तो सेठ को बोलते हैं, हे सांवरिया, हे सांवरिया, अरे तुम भी तो नानी का धर्म भाई है, तुझे भी तो आना है। ये ले कुमकुम पत्रिका मेरे साथ साथ, तू भी आना सांवरे, तू भी आना, तेरा भी निमंत्रण आया है। और उनके समक्ष रख देता है और तभी दिखाओ 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 भाई। और नरसिंहदास जी वो दूसरी पत्री खोल कर देखते हैं और जो ही उन्हें पत्री खुलते ही सारे सामान का चिट्ठा दिखाई देता है कि ये राम उनको हमारा बिजली से बहुत बढ़ती है, बड़े विस्तृत हो जाते हैं और मनी मनी कहते हैं, अरे नानी, अरे नानी तूने ये क्या किया, तुझे तो मालूम है कि तेरा बाबू अब नगर सेठ नहीं रहा और नगर सेठ रहते भी इतना कहां से अब मेरे सारा पूरी पालन हारो है
बहन तो कोई तेरा मैं तो भाई से भर कर मानू हूँ नानी भाई रो रो कर अपने सांवरिया बहन को
मन से जो मैं आप प्रकाश नहीं कर सकती और ये सोचकर दादी भाई डूब के बढ़ने के लिए चल पड़ती है। अब मुझे नहीं जीना और ये सोचकर वो प्रस्थान करके अपने घर से और लड़की लेकर तो आइए इस प्रकरण का हम लोग अवलोकन करते हैं। Oh,
सुबह सुबह नर्म उतना ही पारा हमारे रामचरित मानस के लिए।